बात कर वो राजनांदगांव की। राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 बर तारीख के घोषणा कर दिए गई, जेकर बर पत्रकार वार्ता करके राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा है जानकारी दी। राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ विधानसभा सीट ले विधायक देवव्रत सिंह के आकस्मिक निधन होए के बाद खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली हो गए रही, जिनमा उपचुनाव के तैयारी बर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा है पत्रकार वार्ता करके जानकारी देवत कहिस के अवैया 17 मार्च ले नामांकन दाखिल करे जाए के शुरुआत होही, जेखर आखिरी तारीख 24 मार्च रही। 25 मार्च के इस स्क्रूटनी के बाद 28 मार्च तक नाम वापसी, 12 अप्रैल के मतदान और 16 अप्रैल के मतगणना करे जाही। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर 2,11,540 मतदाता ह मतदान करही, जिनमें 1,52,050 महिला और 1,62,090 पुरुष मतदान करी। खैरागढ़ उपचुनाव ला जीते बर भाजपा कांग्रेस के अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रत्याशी घलो जोर अजमाइश करी, काबर के खैरागढ़ विधानसभा सीट ले पाछू चुनाव में स्वर्गीय देवरसिंह हाँ भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी मल्ला हरा के जीत दर्ज करे रही। कल खैरागढ़ के उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उपनिर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उसके मुताबिक 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात नाम निर्देशन पत्रों का लेना आरम्भ किया जाएगा, 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना का कार्यक्रम सम्पन्न किया जाएगा। इसके लिए जो खैरागढ़ सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है 73 नंबर का, उसमें कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है।